हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम फुल चैप्टर के थ्योरी का रिवीजन करने वाले हैं। बेटा, मैंने जानबूझे नोट्स खोले हैं रादर देन जिस कॉपी में मैं आपको करवा रहा था। क्यों? क्योंकि आपके ऐसे नोट्स रहने वाले हैं, कॉपी का बहुत ही है, शायद से आपने लिखा ना हो या लिखा हुआ ना हो, इसलिए हम ये नोट्स के थ्रू ही रिविजन करने वाले हैं। हर चीज़ जो मैंने आपको तब बताई थी वो यहाँ पर भी है, कोई चीज़ स्किप हुई होगी तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या था? मोशन। मोशन क्या था? मूवमेंट। मूवमेंट को मोशन बोलते थे। इसमें हमने समझा था कि पर्सपेक्टिव बेस्ड है। तो क्यों? क्योंकि क्या याद है, आप और मैं ट्रेन में जा रहे थे, हमारी मम्मी जी छोड़ने आई थी, सॉरी आपकी मम्मी जी छोड़ने आई थी। तब जब ट्रेन चलना शुरू हुई थी, आपको लग रहा था मैं रेस्ट में हूँ, बट मम्मी जी को लग रहा था मैं मोशन में हूँ। याद है ना ये चीज़? तो ये पर्सपेक्टिव बेस्ड है, इसलिए हम लोग क्या डिफाइन करते थे? रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजिशन चेंज हो रही है तो मोशन को माना जाता था। अब मोशन के दो होते थे, एक तो डायरेक्ट एविडेंस और एक इनडायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस यही हो गया, मान लीजिए मैंने कोई पत्थर फेंका, पत्थर मूव हो रहा है, दिख रहा है मुझे, तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया। यही अब मुझे एयर के मूवमेंट या मोशन समझना है तो मैं डायरेक्टली एयर को तो देख नहीं पाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? पत्तियों को, हिलती हुई पत्तियों को देख के मान लेता हूँ। याद है सब चीज़ें? चलिए ग्रेट। फिर हम लोग अलग अलग तरीके के मोशंस पढ़ते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशन, रोटेशन या इनका कॉम्बिनेशन। मेजरली हम लोगों ने क्या पढ़ा था पूरा का पूरा इसमें चैप्टर में? स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन था। लास्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। बचे जो कहते हैं वाइब्रेशन या रोटेशन या इनका कॉम्बिनेशन, ये अपन इस साल पढ़ते नहीं है। ठीक है, फिर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बीच में डिफरेंस देखा था। डिस्टेंस क्या था? इट वॉज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट वॉज द शॉर्टेस्ट पाथ। जैसे डिस्टेंस क्या किया था? स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था। डिस्टेंस हमेशा 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 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जबकि ये क्या है इसका नाम? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। इसके सिवाय डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न होता है, डिस्प्लेसमेंट जबकि मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी कंसर्न होता है। तो इन दोनों के SI यूनिट मीटर्स होते थे, दूसरे यूनिट्स किलोमीटर, सेंटीमीटर, अलग अलग यूज कर सकते थे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते थे? एस। डिस्प्लेसमेंट में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एस के ऊपर एरो, बट अपने आगे न्यूमेरिकल में कभी यूज नहीं किया, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे आप 11th में आओगे, ऐसे आरो आना शुरू होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी के लिए चलो जाइए। चलिए, अब भी हमने क्या बात की? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। तो बेटा देखिए, पॉजिटिव कब होता है डिस्प्लेसमेंट? जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तब। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब आप घूम फिर के आपसे अपने ओरिजिन पे आ गए हो, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए वाला सिचुएशन जो था वो वाला। अब देखिए, क्योंकि डिस्टेंस इज टोटल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल रहेगा। डिस्टेंस कभी छोटा हो ही सकता है डिस्प्लेसमेंट से, वही ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो समझ गया, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो समझ गया, बट अब आप मुझे बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब आते हैं? बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल आता है जब आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो और आप रिवर्स नहीं आए हुए हो। फेयर टेलियर। इसके बाद में सर और क्या पॉइंट्स थे क्या इसके? चलिए इसमें तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, ये न्यूमेरिकल्स हम बाद में देखने वाले। हाँ, ओडोमीटर वाला। बेटा आपका डिस्टेंस ट्रैवल जो डिवाइस बताता है आपकी गाड़ी में लगा हुआ, उसका नाम क्या होता है? ओडोमीटर। बेटा ओडोमीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है, ट्रू एंड फॉल्स में कोई ऐसे चीज़ों में आ सकता है, ध्यान रखना ओडोमीटर डिस्टेंस ही बताता है। फिर देख लीजिए, चारों पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए क्या? हाँ सर, ये नोट वाले। बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह ना, इसका हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें न्यूमेरिकल स्पेसिफिक चीज़ें ही करने वाले हैं, आज हम थ्योरी कर लेते हैं। चलिए, ये भी न्यूमेरिकल्स है पूरे, ये सब ऐसे न्यूमेरिकल फटफट हम लोग देखने वाले हैं। फिर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच वर ओनली कंसर्न विद मैग्नीट्यूड, वेयर वेक्टर क्वांटिटीज वर कंसर्न विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज वर ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर वेक्टर क्वांटिटीज कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। आप बहुत कुछ आगे का पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पता है स्केलर के एग्जांपल्स क्या क्या है। सर स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। वेक्टर के क्या क्या है सर? सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। आगे के चैप्टर्स में अपन और कई सारी चीज़ें देखेंगे, उसमें अपन डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। ठीक है सर, फिर हमने एक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। देखिए यहाँ पे मैंने आई थिंक नीचे जो डिफरेंस जो दिया है वो लीनियर के बारे में दिया हुआ है। पहले हम सिर्फ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, लीनियर की बात नहीं कर रहे। सर यूनिफॉर्म मोशन तब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉलर टाइम इंटरवल में भी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉलर टाइम इंटरवल में भी। पहले उसके लिए एग्जांपल यहाँ पर नीचे वाला देख लीजिए, अपन ऊपर के पॉइंट्स देखने वाले। चल मारिए, देखिए पहले ऑब्जेक्ट नंबर ए जो है मेरा, उसमें
ये देखिए, ये दो, इसने कितना, मे बी मीटर होगा, ये 2 मीटर और कवर किया, फिर ये 2 मीटर और कवर किया, फिर यहाँ पे 2 मीटर और कवर किया, मतलब हर सेकंड में दो 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 मीटर कवर कर रहा है, मतलब एक एक सेकंड के टाइम इंटरवल में वो दो 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 मीटर कवर कर रहा है। जबकि ऑब्जेक्ट बी को देखो, तो पहले उसने 3 मीटर कवर किया है, फिर उसने एक किया है, फिर एक किया है, फिर 3 किया है, हर सेकंड उसने इक्वल टाइम, हर सेकंड हर टाइम इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया है, इसे ये हो गया है नॉन यूनिफॉर्म। तो मतलब आपने क्या समझा कि हमारा जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, जबकि बी वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब अपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ लिया, अब अपन समझते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बेटा लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउ एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी, तो ये हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। वैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउ एवर स्मॉल द टाइम इंटरवल मे बी, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यहाँ तक का सब कुछ ठीक है। अब बेटा देखिए एग्जाम्पल यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का, आप एग्जैक्टली सेम स्पीड पे अपनी कार चलाए जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, हाईवे पे मान दीजिए, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का एग्जाम्पल। और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का एग्जाम्पल, आप वही गाड़ी ट्रैफिक में चला रहे हैं, जैसे ट्रैफिक खुलता है आप स्पीड बढ़ाते हो, ट्रैफिक आ जाता है आप स्पीड कम कर लेते हो। तो देखो इन दोनों में एक और नया डिफरेंस पता चल गया सर, क्या, स्पीड हमारी कॉन्स्टेंट रहती है यूनिफॉर्म मोशन में और स्पीड वेरी करती है यूनिफॉर्म अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब अगर यही मैं लीनियर की बात करूं तो डायरेक्शन तो मेरा दोनों में कॉन्स्टेंट ही, स्ट्रेट ही, तो मेरा अगर डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी। तो उसी के थ्रू मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में मेरी वेलोसिटी वेरिंग रहती है। अब सर देखो, हमको वेलोसिटी समझती है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड, लीनियर मतलब सेम डायरेक्शन है स्ट्रेट में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज हो रही है, बट लीनियर मतलब डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड चेंज हो रही है ना हमारा, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ही ना। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारा वेलोसिटी सेम रहता है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारी वेलोसिटी वेरी करना शुरू हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा, तो हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सलरेशन इज जीरो, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सलरेशन इज नॉट जीरो। वो अपन आगे देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, वो चीज़ें कंसर्न नहीं। अब बेटा आप लोग ये देख लीजिए, अभी इसका एग्जाम्पल, अच्छा ग्राफ, आई एम सो सॉरी, ग्राफ देख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रॉपर सा स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, जबकि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ऐसा कुछ कर्व बनाया है। तो देखो पहले वाला जो ये ग्राफ है, आई मीन टू से ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसमें देखोगे तो इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, जबकि यहाँ पे आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हो। अब नीचे देखो, क्योंकि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, आई एम रिपीटिंग, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, इसलिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और राइट साइड में नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, तो वेलोसिटी वेरिंग है। बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं कि ग्राफ ऐसा ही रहे, योर ग्राफ कुड हैव रादर बीन ऐसा भी कुछ, तो भी सब कुछ तो भी वेरिंग वाला भी हो सकता था, मैंने कुछ भी रैंडम बनाया, ठीक है। अब यही अगर सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन होता तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी हट जाता और क्या आता, स्पीड आता, समझा ना। चलिए ग्रेट, तो सर हम लोगों ने ये देख लिया, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव अलोंग एनी पाथ इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो वही बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में आपको स्ट्रेट पाथ में जाना है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी पाथ, गोल गोल घूम सकते हैं, जिगजैग जिगजैग जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कांस्टेंट होता, स्पीड कांस्टेंट होता। बट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड भी कॉन्स्टेंट होता है, डायरेक्शन भी सीधा सीधा चाहिए मेरे को, परफेक्ट। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, सर फिर रेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हम पढ़ते हैं सर, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी क्या होता था, याद है आपको, जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था सर, स्केलर वेक्टर, वे स्पीड और वेलोसिटी है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। चलो सर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर करने का रेट, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, वैसे ही वेलोसिटी क्या है, द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर एक और डिफरेंस क्या हो गया, द स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, द स्पीड स्केलर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी वेक्टर है इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। तो पॉजिटिव कब, जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो नेगेटिव कब, जब आप रिवर्स आ रहे हो, तो वेलोसिटी जीरो कब है, या तो आप जब रुके हुए हो या फिर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब। सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है,
स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, बट और भी अलग अलग होते हैं किलोमीटर पर आवर, अपन आगे देखने वाले कन्वर्जन। अभी बता देता हूँ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, परफेक्ट 5/18 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में शिफ्ट होने के लिए। कभी पूछ लेता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, भले सेंटीमीटर पर सेकंड वगैरह कन्वर्जन अपन देख चुके हैं, इतना टेंशन की बात नहीं है, चलिए ठीक है। साथ ही साथ स्पीड और वेलोसिटी को दोनों को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी में वी के ऊपर ऐसा एरो लगाते हैं जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जरूरी नहीं है आपको लगाना। चलिए अब थोड़ी सी और बातें करते हैं हम लोग, सर क्या यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड खुद ही बोल रहा है कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल स्पीड बोलता है कि स्पीड वेरी कर रही है, वही उनका डेफिनेशन हो गया। अब यूनिफॉर्म स्पीड अगर है मतलब आप यूनिफॉर्म मोशन में हो, और वेरिएबल स्पीड है मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देखो आपकी स्पीड कांस्टेंट है ना, डायरेक्शन चेंज होते ना पॉसिबल है, तो कैसे आप एक सर्कल इसमें भाग रहे हो, मे बी आप सेम स्पीड से भाग रहे हो पर हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है बेटा, ये अपने लास्ट यानी पिछले लेक्चर में पढ़ा है इसी साल में, तो आई होप आपको पता हो, ठीक है। अब इनके ग्राफ देख लीजिए आप लोग, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेते हैं, वही अगर मेरी स्पीड वेरी कर रही है तो मेरे को एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ये चीज। अब नेक्स्ट इसके देख लीजिए ग्राफ, देख लीजिए ग्राफ सिंपल है, स्पीड डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म स्पीड का, यानी कि ये वाला इसका देखिए स्पीड कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म मोशन वाला हो गया, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंटली बढ़े जा रही है। अगेन ग्राफ ऐसा होना जरूरी नहीं था, ग्राफ कुछ भी बड़ी कम कांस्टेंट कम फिर एकदम से बढ़ गई फिर एकदम से घट गई, कुछ भी आपका ग्राफ ऐसा भी रैंडम हो सकता था, ठीक है। अब सर ये भी देख लिया हम लोगों ने, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अभी ऊपर एवरेज स्पीड पढ़ा था, वहीं से एक बार इंस्टेंटेनियस स्पीड कहता है उस इंस्टेंट की स्पीड, मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हो आप आगे जो काटा रहता है ना स्पीड का, जिसको क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर परफेक्ट, उसको देखते हो उसमें जो स्पीड बता रहा है वो होती है उस इंस्टेंट की स्पीड, मतलब क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जबकि एवरेज स्पीड है पूरे जर्नी की होती है कि पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी थी मेरी। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे झांकना पड़ेगा स्पीडोमीटर में, ओडोमीटर में नहीं बेटा, ओडोमीटर में डिस्टेंस पता चलता है, इसमें किस में झांकना पड़ेगा स्पीडोमीटर में, और वही अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना तो किस में झांकना पड़ेगा, कहीं झांकना नहीं पड़ेगा आपको, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। इसके ऊपर याद हो अब्दुल वाला क्वेश्चन किया था अपन लोगों ने, अगेन वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले, टेंशन मत लीजिए। चलिए सर अब आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। ये कंसेप्ट अभी भले आपको एकदम बहुत काम में ना आए पर लास्ट लेक्चर जो हमने किया था ना, लास्ट लेक्चर जो किया था उसमें आता था वो सर्कुलर मोशन वाले इसमें। चलिए पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सर वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दो चीज़ें स्पीड भी है डायरेक्शन भी है, तो अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा हूँ ना तो आपको स्पीड भी कांस्टेंट रखना है आपको डायरेक्शन भी कांस्टेंट रखना है, मतलब आप मान लीजिए सीधा सीधा ही जा रहे हो और 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हो तो आपका स्पीड कांस्टेंट हो गया और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, इसलिए इसे बोल दिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही चीज़ अगर मैं वेरिएबल वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेरिएबल वेलोसिटी अगेन आपका स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, तो या तो आप स्पीड यानी मैग्नीट्यूड चेंज कर लो या आप डायरेक्शन चेंज कर लो या दोनों चेंज करो चल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ स्पीड कम ज़्यादा करो, गाड़ी चला रहा था एकदम ब्रेक मारना पड़ रहा है फिर एकदम स्पीड में भगा रहा हूँ, ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा स्पीड चेंज हो जा रहा है डायरेक्शन सेम है। नेक्स्ट मैं स्पीड सेम रखता हूँ डायरेक्शन चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं गोल 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 भाग रहा था ठीक है, अब देखो मेरा क्या है मैं सेम स्पीड से भाग रहा था, मैं सेम स्पीड से भाग रहा था, भागा 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 कोई तो भी स्पीड है मेरी भागे जा रहा हूँ मेरी स्पीड से मैं, बट देखो डायरेक्शन हर पॉइंट पर मेरा चेंज हो जा रहा है, देखो ये सर्कल बनता है मेरा, ये सर्कल बना जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट अलग है डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन अलग, यहाँ पे डायरेक्शन अलग, यहाँ पे डायरेक्शन अलग, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, यहाँ पे मैंने चेंज किया है डायरेक्शन जबकि मेरा मैग्नीट्यूड सेम है। और सर नेक्स्ट एग्जांपल क्या, वहाँ पे मैं मान लीजिए मेरा डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, गोल गोल भाग रहा हूँ कभी फास्ट भागता हूँ कभी स्लो भागता हूँ, तीनों सिचुएशन है मेरी या तो स्पीड चेंज हुई है या डायरेक्शन चेंज या दोनों चेंज हुए, मतलब एट द एंड ऑफ डे मेरी वेलोसिटी चेंज हुई है, फेयर टेल या। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगेन ऐसा ग्राफ देख लीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी सेम है, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी कम ज़्यादा जो भी हो रही है तो फुद्दू सा है। अब देखिए बेटा ये वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाले चीज़ पे आ गए हम लोग, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए केस वन और केस टू है मेरा, ये एक्सेलरेशन टाइम है यहाँ पे, ये है ना ये टाइम दिया हुआ है मुझे, ये यहाँ पे मुझे उसकी वेलोसिटीज दी हुई है, पहले मैं कार ए का देख रहा हूँ, देखिए पहले पाँच बड़ी फिर और पाँच बड़ी फिर और पाँच बड़ी फिर और पाँच बड़ी फिर और पाँच बड़ी,
मतलब देखो हर सेकंड में पांच 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 बढ़ी जा रही है, नहीं इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हुआ जा रहा है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखो, पहले पांच बढ़ी, फिर दो बढ़ी, फिर चार बढ़ी, फिर पांच बढ़ी, फिर नौ बढ़ी, अलग 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 बढ़े जा रही है। तो देखिए पहले वाले में चेंज कॉन्स्टेंट तरीके से हुआ जा रहा है, सेकेंड वाले में चेंज कॉन्स्टेंट तरीके से नहीं हुआ जा रहा है। तो अगर मेरा रेट ऑफ चेंज, मतलब केस ए वाले की बात करूँ, रेट ऑफ चेंज कॉन्स्टेंट है, तो मैं एवरेज वेलोसिटी का याद एक और फॉर्मूला बताया था, हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से करते हैं, तो यू प्लस वी बाई टू भी यूज कर सकता हूँ। वरना मेरा देसी फॉर्मूला तो मुझे पता ही है सर, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। सो सॉरी गाइस, फेयर इनफ यहाँ पे। और अगर वही केस बी वाला है, केस बी वाले में बेटा मुझे u प्लस वी बाई टू अलाउड नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे वो देसी फॉर्मूला कौन सा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। साथ ही साथ याद है ना आपको, ये जो केस वन है उसके लिए एक्सलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़े थे, पढ़ने वाले, चलो टेंशन मत लो। चलिए सर यहाँ तक सब ठीक है, अब सबको नोट्स वाले पॉइंट। सर क्या सर, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होगी? देखो एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम नीचे कट गया, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और रिवर्स नहीं आ रहा है। तो ये वाले केस में मेरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल। अब सर नेक्स्ट, सर एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला जो सिचुएशन रहेगा, वो वाले में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, ये सब चीज़ें आपको पता है। अब फाइनली आते हैं अपन किस चीज़ पे, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सलरेशन का डेफिनेशन क्या था? तो एक्सलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। सबसे बढ़िया बात, एक्सलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फेयर टेल, अब सर देखिए, अब आपने अभी जैसे बोला एक्सलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर एक्सलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकती है? तो अगर पॉजिटिव है मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, मतलब हमने एक्सलरेटर पे पैर रखा हुआ है। सर वही अगर मेरा एक्सलरेशन नेगेटिव है, मतलब मेरी वेलोसिटी घटे जा रही है, मतलब मैंने ब्रेक पे पैर रखा है। और मान लीजिए अगर मेरी एक्सलरेशन जीरो है, मतलब मेरी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है मतलब एक ही वेलोसिटी में जाया जा रहा हूँ, ना स्पीड नहीं, ना ही तो एक्सलरेटर कर रहा हूँ, ना ब्रेक मार रहा हूँ मैं, यहाँ तक ये फेयर है। बेटा नेगेटिव एक्सलरेशन के लिए दो और वर्ड है, डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ये चीज़ भी याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में अपन देखने वाले नेक्स्ट में, बट अगर कभी पूछ लिया बताइए रिटार्डेशन क्या है बॉडी का, एक्सलरेशन आ गया माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको रिटार्डेशन क्या देना पड़ेगा? परफेक्ट, सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देंगे, आप साइन को कर दोगे गायब। ग्राफ देख लीजिए बेटा, पॉजिटिव एक्सलरेशन वेलोसिटी बढ़े जा रही है, नेगेटिव एक्सलरेशन वेलोसिटी घटे जा रही है, जीरो एक्सलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा देखिए, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मतलब बेसिकली ये कार, ये केस वन वाला यूनिफॉर्म एक्सलरेशन जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन केस बी वाला है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है। अब बेटा ये जो v माइनस यू अपॉन टी अपन यूज़ कर रहे हैं ना, वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और बढ़िया बात क्या है, इस साल हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन वाले सीखने वाले हैं। साथ ही साथ ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के लिए अपन तीन और इक्वेशन ऑफ मोशन सीखते हैं, आई थिंक यहाँ पर लिखे हुए, यस, कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशन कई न्यूमेरिकल किए बेटा जहाँ पे तीनों की जरूरत पड़ी है, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, अपन आगे देखने वाले, टेंशन मत लीजिए। अच्छा नीचे केस दिया हुआ था, बेवजह में ऊपर गया था। अब बेटा ये दो पॉइंट नोट में जो दिए हुए सिर्फ प्योरली रटने के, कब समझेगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में स्टार्टिंग में समझ जाएगा। सबसे पहला क्या पॉइंट है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सलरेशन हो? तो यस ऐसा पॉसिबल है। कब, जब मैं एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकूँ तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है बट एक्सलरेशन उस पर एक्ट कर देता है। अगेन नहीं समझेगा बट कब समझेगा, ग्रेविटेशन चैप्टर के बाद समझेगा। दूसरा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सलरेशन का डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो? वेलोसिटी बोले मोशन, मोशन का एक्सलरेशन का भी, तो यस सर ये पॉसिबल है। कब, सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। तो क्यों होता है, अगेन जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कब समझेगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में समझेगा। चलिए अब ये ग्राफ, पहले अपन डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का देख लेते हैं। सिंपल डिंपल है बेटा, पहले अपन सिर्फ डिस्टेंस टाइम को पूरे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ जा रहा है, मतलब क्या है, आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। सेकेंड वाला भी वही है,
सिर्फ इस बार क्या है, जब आपने नोटिस करना शुरू किया था तब आपका डिस्टेंस जीरो नहीं था, जब आपने देखना शुरू किया तब आपका डिस्टेंस पहले से कुछ था, मे बी 100 मीटर था, फिर वहाँ से यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। थर्ड वाला ग्राफ जो है, ये जो सबसे ऊपर आपके भी इसमें दिख रहा है, वो डिस्टेंस सेम है। सर डिस्टेंस सेम का मतलब क्या हो गया है, गाड़ी रुकी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फोर्थ वाला बेटा डिस्टेंस घटे जा रहा है, डिस्टेंस कभी घट ही नहीं सकता है आपका, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। और सर ये आखिरी वाला, इसमें क्या है, डिस्टेंस आपका रैंडमली बढ़ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। चलिए ग्रेट, अब ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का देखते हैं, राइट हैंड साइड वाले की, यानी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ वाले इसकी बात कर रहा हूँ बेटा पूरे। तो देखिए वही डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली बढ़े जा रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में चल रही है आपकी। नेक्स्ट इसमें डिस्प्लेसमेंट अगेन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, सिर्फ जब आपने देखना शुरू किया तब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं था, तो ये भी वही हो गया। थर्ड इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपकी गाड़ी रुकी हुई है, वेलोसिटी जीरो है। फोर्थ इसमें डिस्प्लेसमेंट घटे जा रहा है, ये पॉसिबल है बेटा, डिस्प्लेसमेंट घटना पॉसिबल है सर, कब, जब आप थोड़ा थोड़ा रिवर्स आते हो। यानी मैं सिचुएशन बता देता हूँ यहाँ पे बना के आपको, कि मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, ये ओरिजिन है मेरा, आप पहले ये 5 पे थे, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 5। नेक्स्ट सेकेंड आप 1 मीटर दूर पीछे है, तो ये हो गया 4, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 4। फिर एक और मीटर पीछे है, फिर नेक्स्ट सेकंड हो गया 3। ये ऐसे करके आप पीछे 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 आए जा रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम होते जाता है, मतलब आप रिवर्स डायरेक्शन में बेसिकली आए जा रहे हो। तो फाइन है गाइस ये, चलिए फिर नेक्स्ट इसके बाद वाला दिखा देता हूँ मैं। तो ये वाला है, डिस्प्लेसमेंट रैंडमली बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है मतलब क्या, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सी लिखी है सर, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देता है क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप उसका हमें देता है स्पीड, और वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। सर ये वाले न्यूमेरिकल से अपन देख लेंगे, तो कोई टेंशन ना लो। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे और स्पीड टाइम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे गलती है, सिर्फ हेडिंग में वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा हुआ है, बट ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। पहले पूरे स्पीड टाइम देख रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का पहला वाला स्पीड कॉन्स्टेंट है बेटा, ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट वाला जैसा नहीं कि रुकी हुई है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, मतलब कि गाड़ी एक ही स्पीड से आ रही है, मतलब ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, स्पीड कॉन्स्टेंटली जीरो है, मतलब गाड़ी रुकी हुई है। थर्ड क्या है, स्पीड आपकी नीचे वाली, देखो ये वाली है बेटा, एक सेकंड, ये है स्पीड, ये बेटा ये एक्स एक्सिस है, स्पीड नेगेटिव है, सही, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, परफेक्ट। तो ये वाला ग्राफ ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, स्पीड आपके कांस्टेंट रेट से बढ़ जा रही है, ठीक है, ये वो वाला हो गया। नेक्स्ट इसमें स्पीड आपकी कांस्टेंट रेट से घटी जा रही है, बेटा स्पीड घटना पॉसिबल है, आप ब्रेक मारते हो स्पीड घटती है। और आखिरी वाला, स्पीड आपकी रैंडम कोई भी रेट से बढ़ जा रही है, फाइन। अब ये चीज़ वेलोसिटी में देखते हैं, पहला वाला सिंपल है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। सेकंड है वेलोसिटी जीरो है, मतलब गाड़ी रुकी हुई है। थर्ड है वेलोसिटी कांस्टेंट भी और नेगेटिव है, मतलब आपकी गाड़ी रिवर्स जा रही है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़े जा रही है, बेटा वेलोसिटी बढ़े जा रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला हो गया। प्लस इसमें वी माइनस यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, प्लस एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या निकाल सकता हूँ मैं, यू प्लस बी बाई टू वाला भी लगा सकता हूँ, नेक्स्ट वाले में भी कर सकता हूँ। बेटा देखो इसमें भी अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घट रही है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला हो गया, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी को यू प्लस वी बाई टू लगा सकता हूँ बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। साथ ही साथ में आपको एक और चीज़ पता है क्या, यहाँ पे अपन वो तीनों फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस टी, तीनों जो है वो। लास्ट वाला क्या है, वेलोसिटी रैंडम रेट से बढ़ रही है, यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ मैं, ना यू प्लस वी बाई टू लगा सकता हूँ, ना वो तीनों इक्वेशंस लगा सकता हूँ। फिर ये देखो लास्ट वाला भी एक्सेलरेटेड मोशन जरूर है, चलिए ठीक है। सर अब ये वाले के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट थे, सर क्या है, सबसे पहला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें दिखाता है एक्सेलरेशन, उसी का एरिया हमें दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस बढ़िया, फिर स्लोप का फॉर्मूला याद है ना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। चलिए बेटा फिर ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे, तीनों के नाम भी दिए हुए, पहला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। सेकेंड है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब पोजिशन टाइम का हो गया। और थर्ड क्या है हमारा, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब क्या है, पोजिशन वेलोसिटी का रिलेशन हो गया।
सब इनका डेरिवेशन। बेटा ग्राफ तीनों में कांस्टेंट है, और पहले इंग्लिश में जो गाना लिखना पड़ता है कि मान लो हमने ग्राफ बनाया है एक कार या कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू, अटेनिंग फाइनल वेलोसिटी वी इन टाइम टी, ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ है ये अपने को हर एक इसमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम लिखते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये ए बी लाइन की स्लोप हो जाएगी। फिर ए बी लाइन की स्लोप क्या होगी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब वी माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो, यानी कि वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, इधर उधर करूंगा तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। ये वाला ईजी है, काम के बच्चे दो ज़्यादा है, ऐसा नहीं है पूछते नहीं है, बस बता रहा हूँ ये सिंपल है, बच्चे दो मज़ेदार है। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम करते हैं अपन लोग, ये गाना लिख दिया, बस इसमें अपने को डिस्प्लेसमेंट का लेना रहता है। देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, तो हम बोलते हैं एरिया अंडर दिस कर्व, इन्हें देखो ये ट्रपेजियम कौन सा सर दिखा देता हूँ, तो मतलब ये जो ट्रपेजियम है इसका जो एरिया रहेगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बता देगा सर इसका डिस्प्लेसमेंट। तो सर हम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट यूज़ करते हैं सर, यानी क्या हो गया हाफ यू प्लस वी इंटू टी। अब हमें इस फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत नहीं है, वी की ज़रूरत नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लाते हैं, यहाँ पर डालते हैं तो हाफ यू प्लस यू प्लस ए टी इंटू टी करते हैं, तब खोल पील के तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है। ये हो गया मैं सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में बेटा वो एरिया वी एरिया का पूरा लिखना पड़ता है, ये यहाँ तक है कि एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी आ गया। अब इसमें मुझे टी की जरूरत नहीं है, तो टी फर्स्ट इससे लाता तो वो होता है वी माइनस यू अपॉन ए, फिर सब कुछ को खोल पील किया, नीचे का टू ए को इधर भेजा, तो मेरा बन जाता है टू ए एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब लास्ट टॉपिक सर क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो अपन ने बहुत मेहनत किया था इसके ऊपर अब भी जस्ट पहले, बेटा देखो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूमना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है सर्कल में घूमना विद द सेम स्पीड, ये हो गया। बट अब मेरे को ये चाहिए था, आप सेम स्पीड से तो घूम रहे हो बट क्या आपकी वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं सर वेलोसिटी सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका बेसिक से इतना मतलब हो गया कि आपका ये एक्सलरेटेड मोशन है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सलरेटेड मोशन है। तो अगर आप सेम स्पीड से भी गोल 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 भाग रहे हो तो भी एक्सलरेशन आपकी बॉडी में रहने वाला है, ये चीज़ दी हुई है मेजरली इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल बेसिक सा मान लो अपन कोई घड़ी का कांटा जो घूमता है, या प्लैनेट मान लो सन के अराउंड, वैसे एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता बट मान लो, या मेरी गो राउंड पे आप बैठे हो तो आप गोल 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 सेम स्पीड से घुमा रहे हो, तो वो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वगैरह। सेम बेसिक से सर इसका स्पीड का फॉर्मूला होता है एक चक्कर का डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर का टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, डिस्टेंस क्या है टू पाई आर अपॉन टाइम क्या है टी। अब देखिए छोटे मोटे बेसिक सी चीज़ें मैंने डाली हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे कैपिटल आ गया समाउ बट कैपिटल नहीं होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या है एस, एस एन ए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, उसका एस एन एट क्या है मीटर, यू और वी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इनका एस एन एट क्या है मीटर पर सेकेंड, टी यानी टाइम उसका क्या होता है सेकेंड होता है, एक्सेलरेशन ए सब कुछ छोटा होना चाहिए था तो कोई बात नहीं, उसका क्या होता है एस एन एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये कुछ फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई है, अगेन ये चीज़ें हमें सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में अपने क्या किया है, अपने बेसिकली किया है पूरे चैप्टर का थ्योरी रिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर जो कि मोस्टली लास्ट लेक्चर होना चाहिए, अगर दो पार्ट्स में नहीं एक ही पार्ट में अपना निपट जाता है, तो उसमें अपन लोग क्या सीखेंगे इस चैप्टर के अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स। अब गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट सेशन में हर एक न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला हूँ आपको, मैं हर एक पैटर्न का न्यूमेरिकल कराने वाला आपको, ठीक है। चलिए गाइस थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।